शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को चुनाव हुआ। हरजिंदर सिंह धामी ने अध्यक्ष पद जीत हासिल की है। धामी को 141 में से 107 वोट मिले हैं। चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया दोपहर 12 बजे शुरू हुई थी। दोपहर 2:15 बजे परिणाम घोषित किया गया। अध्यक्ष पद की दूसरे उम्मीदवार जागीर कौर को हार का सामना करना पड़ा। शियत के बागी गुट सुधार लहर की प्रत्याशी बीबी जागीर कौर को केवल 33 वोट पड़े। शियत बादल गुट का SGPC चुनाव जीतना शिरोमणि अकाली दल के लिए बहुत बड़ी जीत है। इस जीत के साथ शियत को प्रदेश में अपनी सियासी जमीन बरकरार करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। चुनाव SGPC मुख्यालय तेजा सिंह समुद्री हॉल में हुआ। इसके लिए SGPC की ओर से सारे प्रबंध किए गए थे। इससे पहले जनरल हाउस इजलास में सभी सदस्य शामिल हुए। यहाँ अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष का चुनाव वोटिंग के माध्यम से हुआ, जबकि पहले कई बार अध्यक्ष का चुनाव हाथ खड़े करवा कर व बोले सो निहाल के जयकारे से किया जाता था। इस बार शिरोमणि अकाली दल के दो फाड़ हो गए हैं। इस कारण शियद की ओर से हरजिंदर सिंह धामी व शियद सुधार लहर की ओर से बीबी जागीर कौर को प्रत्याशी बनाया गया था। इस समय 185 के हाउस में से केवल 148 सदस्य ही शेष बचे हैं। 31 से अधिक सदस्यों का 13 साल के दौरान देहांत हो गया है, जबकि 6 सदस्य त्यागपत्र दे चुके हैं और शेष सदस्य विदेश गए हुए हैं। वहीं बीबी जागीर कौर ने SGPC को लेकर चिंता जताई है। बीबी जागीर कौर ने कहा कि चुनाव हर साल होते हैं, लेकिन इस साल के चुनाव अलग है। लोगों की मांग है कि अकाल तख्त की गरिमा बनाए रखी जाए। उन्होंने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि लोग गुरु गोविंद सिंह के प्रति अनादर बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप भी सुनिए बीबी जागीर कौर ने क्या कुछ कहा। देखो, इलेक्शन तो हर वर्ष होती है। अहदेदार चुने जाते हैं, मेंबर चुने जाते हैं, तो साल के बाद फिर बार आ जाती है। लेकिन इस साल और पिछले साल, इस वर्ष और पिछले वर्ष का फर्क है। पहले तो था, सोचते थे प्रबंध देना है, लेकिन इस समय, इस वर्ष में लोगों सब पब्लिक की जो आवाज़ है ना जी, जो ये है कि श्री अकाल तख्त साहब के सिद्धांत ते मर्यादा बचा लियो, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की होंद बचा लियो, खतरे च है। ये लोगों की आवाज़ मेरी नहीं। लोग समझते हैं कि इस संस्था का कद बहुत बड़ा था, इसका लोगों में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ये बहुत छोटा कर दिया गया, बौना कर दिया गया। लोग ये नहीं चाहते। संसार च बैठे सिख वो श्री अकाल तख्त साहब के अपमान को नहीं सह सकते, नहीं झेल सकते। वो चाहते हैं कि इसका दुनिया में यही स्थान जो बना था, कि इसकी ताक जो थी, कि यहाँ से उद्देश्य भी देते हैं, आदेश भी देते हैं, दिशा निर्देश भी देते हैं, और जो अवज्ञा करे, मर्यादा का कारण करे, सिद्धांतों का कत्ल करे, उसको सजा भी देते हैं। ये लोगों का मन है। लेकिन जो पिछले वर्ष हुआ, जो काफ़ी लंबे समय से हो रहा, लोग उनसे उनके कामों से बेचैन है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।